बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 6 मई 2020 वेनसडे 12 इफ्तारी ब्लॉग शुरू किया है। आज ज़ोरदार बारिश हुई थी हैदराबाद में। बारिश एंजॉय करने के बाद आ गई थी मैं चूल्हे में। ये फर्स्ट टाइम शरबत ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक इसे प्यार मोहब्बत वाला शरबत कहते हैं। और बहुत रिलैक्स था, बहुत अच्छा था, घर में सबको पसंद आया। और ये रिलेटेड दिल्ली से है आई थिंक, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स एक जगह कर रही हूँ आपको बताने के लिए, आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ऑसम बना था ये। पहले ग्लास में निकाला है बालंगा, पर उसमें सूट नहीं किया, मीन्स पूरा नहीं आ रहा था, तो एक बोल में निकाल रही हूँ पहले भीगे हुए बालंगे लिए। और वाटरमेलन छोटे टुकड़ों में काट लिया था मैंने, बीज निकाल ही लें ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े बहुत रहेगा तो चलेगा। और रू अफ़ज़ा एक बड़ा चम्मच, और ये वाटरमेलन जूस पहले ही निकाल रखा था, छान के रखा था मैंने। और इसमें कुछ शक्कर ऐड नहीं किया, बस ये प्योर वाटरमेलन जूस ही है, तकरीबन एक गिलास। और ये पिसी हुई शक्कर, ये टेट्रा पैक यूज़ किया है, ये गाढ़ा है दूध, इसमें पानी नहीं मिलाया क्योंकि जूस भी डाला है और बालंगा भी पानी में ही भीगा हुआ था। कुछ डिफरेंट सा अच्छा लगा, आप लोगों ने ट्राई किया हो तो पता ही होगा, या फिर नहीं किया है तो करके देखिए। इस गर्मी में बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। और ये फ्लावर मेरे गार्डन एरिया का है, इसको अच्छे से धो लिया था मैंने। और आपके पास अवेलेबल नहीं है रोज़ पेटल्स तो कोई बात नहीं, मैंने इसे ठंडा करने रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे इसको इफ्तार के दस्तर पे रखा। और ये आलू चाट बनाया था मैंने, बच्चे तो नहीं खाएंगे पता था, तो हम दोनों के लिए ही बनाया था। थोड़ा सा आलू चाट और ये लेफ्ट ओवर करल के एग पफ्स, पांच ही बचे थे हम पांचों के लिए। और ये इफ्तार का दस्तर, खजूर चना चाट जेठानी के पास से आ गया था, एग पफ्स आलू चाट और जूस बनानास, दैट्स इट। और डिनर में बनाया था राइस, अंडे का कट, डोंडे भी डाल दिए थे इसमें, और आलू चिकन का खुरमा अपना हैदराबाद वाला, और थोड़ा सा सलाद। यही हम लोगों ने सहरी में कंटिन्यू किया। और करीबन 2 बजे के करीब तरावी पढ़ने के बाद, कुछ रिलैक्स होने के बाद ब्रेक लिया था हम लोगों ने। तो जब ब्रेक टाइम में ये एंजॉय किया चाय और मैक्रोनी के कुरकुरे, कैसा लगा आपको ये छोटा सा व्लॉग? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिए मुझे और मेरी फैमिली को। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।